नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का सबसे लोकप्रिय चैनल हिंद विहार। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल मायागंज के मेडिसिन विभाग में 17 मई को आयोजित होने वाली वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई। यह कार्यक्रम IMA भागलपुर और API भागलपुर के तत्वाधान में किया जा रहा है। प्रेस वार्ता में चिकित्सकों ने बताया कि इस बीमारी से बचाव व सावधानी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए 17 मई को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि हाइपरटेंशन पहले 50 वर्ष से ज्यादा होने वाले लोगों को हुआ करता था, लेकिन अब युवाओं में भी इस केस को देखा जा रहा है। आज के युवाओं में 27-30% लोगों को यह रोग अपने चंगुल में ले लिया है, जिसका मुख्य कारण है स्ट्रेस, स्मोकिंग, लाइफस्टाइल सही नहीं होना, फिजिकल एक्टिविटी ना होना, मोबाइल का उपयोग ज्यादा करना इत्यादि। प्रेसवार्ता के दौरान डॉक्टर मणिभूषण, डॉक्टर राजकमल चौधरी, डॉक्टर AK पांडे, डॉक्टर भरत भूषण, डॉक्टर हेमशंकर शर्मा, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर शांतनु घोष, डॉक्टर RP जायसवाल मौजूद थे। हमारे नए करिकुलम में ये जुड़ भी गया है और हम आपके विद्यार्थियों को ये करिकुलम में डालते हैं कि आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, अध्यात्म के बल पे कैसे तनाव मुक्त रह सकते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं हमेशा ये बात कहूँगा कि आप तनाव मुक्त रहें, जितना हो सके सिगरेट धूम्रपान का सेवन कम से कम करें, अपने जीवन में, अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में सिंपल योगा एक्सरसाइजेस को जरूर, टहलना कम से कम नहीं होता, टहलने के लिए भी आप निकले कम से कम 45-40 मिनट अपने लिए जरूर दें। के लिए चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें एवं Facebook, Instagram, Twitter पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।